मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो हम यहाँ पे पहले कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले है एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी के लिए आप लोग क्या करोगे। हमें पता है, हमने रूल्स पढ़े हैं। तो अगर पैलर रेज आएंगी अपर्चर पे तो वो कहाँ पे, हमें ये भी दिखाना है कि किस तरफ से वो आ रही हैं, रेज की डायरेक्शन दिखानी है। और जब पैलर रेज आती हैं तो वो हमेशा कहाँ पे डिफ्लेक्ट करती हैं, वो सीधा फोकस पे आके आती हैं। तो पूरा हमें वैसे दिखाना है। सेकंड पैलर रेज अगर मैं यहीं से भेजूं, सेम यहीं से पैलर रेज भेजूं, आप कहीं से भी भेज सकते हो, मगर यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको डिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगी। जब पैलर आ रही, कहीं से भी पैलर आ रही हो, वो हमेशा कहाँ पे आएगी, सीधा वो कन्वर्ज होगी फोकस पे। तो आपका ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो पोजीशन क्या है इमेज की, साइज़ क्या है, नेचर क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है इमेज की, पोजीशन होगी एट फोकस। साइज़ क्या है, देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटा साइज़ है, मतलब जो चीज़ बहुत दूर है वो हमें बहुत छोटी दिखाई देगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट है नेचर क्या है इसका। नेचर अगर इस तरफ इमेज बन रही है तो उसे बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। मगर जब हमारी इमेज इस तरफ फॉरवर्ड की तरफ बनेगी, इस अपर्चर के इस तरफ बनेगी, तब उसे हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड सी। सी के पीछे, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ है। मगर हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से ये रेस जाएंगी पैलर, अगर रेस पैलर जा रही है तो वो कहाँ से जाएंगी, आपको पता है फोकस से होकर जाएंगी। तो पहले हम क्या करेंगे एट फोकस। अभी जब दो रेज मिलेंगी तभी जाके हम उसको बोलेंगे वहाँ पे उसकी इमेज फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ से मैं फोकस से होके एक रेज भेजती हूँ, एक फोकस से होकर रेज भेजूँगी, तो वो कहाँ से जाएंगी, पैलर जाएंगी। कैसे जाएंगी, पैलर जाएंगी। तो अगर वो पैलर जानी है, डायरेक्शन आपको साथ साथ में बतानी है कि कहाँ से जा रही है, ताकि हमें पता चले कि आपकी रेस कहाँ से कहाँ गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे मिली है ये रेस, ये यहाँ पे एफ, बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज यहीं पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। तो ये नीचे की तरफ बनी है, इसे बोलेंगे रियल इन्वर्टेड। ये ऑब्जेक्ट इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। अब इसका पोजिशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। साइज़ क्या है इसका, स्मॉलर देन इमेज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है, सेम रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है आपका एट सी। तो अगर सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो सी पे ही उसकी इमेज बनती है। सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही उसकी इमेज बनेगी। तो हम यहाँ पे ये चीज़ रखना, इसको ए बी रख देना। तो जो इमेज ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, और नीचे की तरफ बनेगी, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो पहले जाएगी पैलर रेस, और पैलर रेस कहाँ से जाती है आपको पता है, फोकस से होके। हमें बस तीन चार तरीके होते हैं जिससे हम इमेज बना सकते हैं, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ पोल से भेजूँ, पोल से भेजूं, आपको इमेज की डायरेक्शन पूरी बनानी है। तो ये कहाँ पे जाएगी, इक्वल डिस्टेंस बना के आएगी, क्या करेगी, मगर ये यहाँ पे, हाँ इक्वल डिस्टेंस बना के जाएगी, तो ये यहाँ पे मिलेगी। अब हम जब बना रहे हैं एट सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट सी, इसको मार्क कर देंगे ए बी। पैलर रेज भेजेंगे तो पैलर रेज कहाँ से आएंगी, फ्रॉम फोकस। तो यहाँ से फोकस से होके आएंगी रेज के, मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट आप कहीं से बना सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ से अगर मैं बीच में से भेजूँ, जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, तो इक्वल एंगल बना के वापस आता है, इक्वल एंगल बना के वापस आता है।
तो यहाँ पे बन गई इसकी इमेज ए डैश बी डैश। तो अब हम क्या लिखेंगे, पोजीशन क्या यहाँ पे इसका एट सी, साइज़ क्या है सेम, नेचर क्या है रियल इन्वर्टेड, जो इस तरफ इमेज बनेगी वो सारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट है आपका बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ में हम लोग क्या करेंगे, सी और एफ के बीच में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास आता जा रहा है, तो इमेज क्या होती जाए, इसकी इमेज हमारी बड़ी बनती जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले एक पैरेलल रेज भेजेंगे, जब पैरेलल रेज भेजेंगे तो वो कहाँ से होगी, आएगी फोकस से। नेक्स्ट हमने रेज जो भेजनी है वो कहाँ से भेजेंगे, ऐसा हमने करना है, ऐसे कहाँ से बने कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पहले हमने पैरेलल रेज भेजी तो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट अगर मैं भेजूँ यहाँ से, बीच से भेज देती हूँ, कहीं से भेज सकते हैं, अगर मैं यहाँ बीच से भेजूँ जैसे सेम हम कर रहे हैं तो इक्वल एंगल बना के आएगी वो, मगर यहाँ पे डायरेक्शन दिखा देना। तो यहाँ पे जॉइंट सी, जॉइंट सी क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ये खुद बनती जाएगी, आपको समझ आता जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। ए डैश बी डैश, तो पोजीशन क्या है इसकी, ज्वाइंट सी के पीछे, ज्वाइंट सी। नेक्स्ट साइज़ क्या है इसका, लार्ज, नेचर क्या है सेम रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब है एट एफ, एफ पे आ गया तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट पास आ गया है तो इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी, ए बी। तो सेम मैं पैरेलल रेज भेजूँ तो वो फोकस से ही होके आएंगी, ठीक। अगर मैंने पैरेलल रेज भेजी तो वो कहाँ से होके आई, फोकस से। अब मैं दूसरी रेज अगर भेजूँ, सेम करती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए, पोल से, जरूरी नहीं जो बुक में है वही करना है, आप कोई भी कर सकते हो, बस आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मिल रही है इसकी इमेज का मनी एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पहला वाला केस और ये केस सेम आ गया, वहाँ इन्फिनिटी से किया था फोकस पे आया था, यहाँ फोकस से कर रहे हैं तो एट इन्फिनिटी आ रहा है। तो पोजिशन क्या है, एट इन्फिनिटी बनेगी मगर दूर जाके, साइज़ क्या है लार्जर, नेचर क्या है सेम रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट इसका कनकेव मिरर का आ गया बिटवीन पी एंड एफ, तो काफ़ी ज़्यादा पास आ गया। अब हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, जो एक इमेजिनरी हम सोच के बनाते हैं जब रेस नहीं मिलती हैं, कि रेस तो कहीं मिली होंगी तो हम उस तरीके से बना लेते हैं। तो पहला पैलर भेजी तो कहाँ से आएगी, फोकस से ही आएगी। सेकेंड हम लोग वही करते हैं जो आप चाहते हो या कोई और तरीका करते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक और तरीका होता है, जैसे सेंट्रल कर्वेचर से भेजूँ, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ भेजूँ, तो हमें पता है जब भी हम सेंट्रल कर्वेचर से भेजते हैं तो सेंट्रल कर्वेचर में वापस आती हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ तो इमेज कहीं बन नहीं रहा है, इसका मतलब है इसकी इमेजिनरी लाइन जो है वो काफ़ी आगे जाके मिली होंगी वर्चुअल फॉर्म में। इन दोनों रेज को हमने मिलाना होता है, जहाँ मिल गई वहाँ पे उसकी इमेज बन गई। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे पहला केस आ गया वर्चुअल का, ए बी ये सीधे ही है इसलिए हम इसको रेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ज्वाइंट मिरर, साइज़ क्या है लार्जर, नेचर क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये केस हो गए सारे हमारे किसके, कनकेव मिरर के, एट इन्फिनिटी, ज्वाइंट सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ,
between P and F.